बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज फिर सदन में हंगामा होने का आसार है। शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर हंगामा हो सकता है। शराबबंदी का मुद्दा भी सदन में विपक्ष उठा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और फिर आज सदन में हंगामा होने के आसार हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर हंगामा हो सकता है। इसके अलावा मुद्दा शराबबंदी का भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है। कुल मिलाकर विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी है, सरकार को घेरने की रणनीति बना ली गई है और इन तमाम मुद्दों को एक बार फिर से उठाया जा सकता है। आज तीसरा दिन है बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का। सुबह 11 बजे कार्यवाही सदन की शुरू हो जाएगी और फिर सदन में हंगामा हो सकता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी है सरकार को तमाम मसलों और तमाम मुद्दों पर घेरने की, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है शराबबंदी का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रजनीश, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, आज तीसरा दिन है विधानसभा शीतकालीन सत्र का, 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है? देखिए, कल जो मुद्दे शुरू हुए थे वो अभी खत्म नहीं हुए और आज फिर उम्मीद है कि सरकार को वही जहरीली शराब के मुद्दे पर घेरा जाएगा। जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन हुआ था विपक्ष का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उसके बाद से लगातार बीजेपी ये मांग कर रही थी कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। सदन में उन्होंने जिस तरीके का बर्ताव विपक्ष के विधायकों के साथ किया है वो सही नहीं है। तो ये जो पूरी परिस्थिति बनी है ये खत्म नहीं हुई है। कल सदन को अटेंड करना पड़ा सुबह तक के लिए, जब हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया, न विधानसभा चल पाया ना विधान परिषद चल पाया। तो ऐसे में उम्मीद ये है कि आज फिर से बीजेपी इन्हीं बातों को लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर प्रदर्शन करेगी, मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। चूंकि सपरा में जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जहरीली शराब से जो लोगों के मौत हुए 25 से ज्यादा का आंकड़ा हो गया, ऐसे में अब विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछेगा। जी रजनीश, देखिए सत्र के पहले दिन शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाया गया था और कल शराबबंदी का मुद्दा उठाया गया था, क्या आज एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली का मुद्दा उठाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इन तमाम मुद्दों को विपक्ष एक साथ उठा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, अभ्यर्थियों का मुद्दा हो, शराब का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बिहार में खासी कालाबाजारी का मुद्दा हो, तो विपक्ष की कोशिश है कि चूंकि सत्र बहुत छोटा है, 4 दिनों का सत्र है, तो ऐसे में विपक्ष की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए और सरकार से जवाब मांगा जाए। बिल्कुल रजनीश, देखिए छपरा शराब कांड की बात की जाए तो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 27 लोगों की जान चली गई है। ये एक बड़ा मुद्दा हो गया है शराबबंदी को लेकर और पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। कल भी हमने देखा किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, क्या आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं कि इतनी बड़ी घटना घटी है छपरा में, उसके बाद से सरकार को भी समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे जवाब इस पर दिया जाए। क्योंकि एक कभी कहीं 10 मौतें, 12 मौतें और 25 से ज्यादा मौतें और ये मौत का सिलसिला जो है चलता जा रहा है। हर एक 2 महीने पर किसी न किसी इलाके में, इसी छपरा में कुछ महीने पहले 19 लोगों की मौत हो गई थी। तो जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है और बीजेपी भी ये दबाव बना रही है कि मुख्यमंत्री समीक्षा करें, अपने कानून की समीक्षा करें, तो इसको लेकर आज फिर से बीजेपी की कोशिश हो रही कि मुख्यमंत्री पर दबाव बनाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए रजनीश, शराबबंदी को लेकर राजनीति हो रही है, पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच 27 लोगों की छपरा में मौत हो गई है, क्या परिवार वालों से मिलने के लिए कोई पक्ष और विपक्ष का नेता पहुंचेगा? जी देखिए, आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल छपरा जाएगा, ये बात है सेकेंड हाफ में, जब विधानसभा का सत्र पहले हाफ का खत्म हो जाएगा तो सेकेंड हाफ में प्रतिनिधि मंडल जाएगा। जाप के जो अध्यक्ष हैं पप्पू यादव वो भी आज जाएंगे, वो भी आज छपरा में होंगे, तो अब राजनीतिक दलों का दौरा छपरा के लिए शुरू होगा। और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और जन अधिकार पार्टी दोनों के नुमाइंदे जो है वो छपरा जाएंगे। जी ठीक है रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। बिहार सरकार ने शराब पर सर्वे कराया, 1,64,00,000 लोगों ने शराब छोड़ी है। शराबबंदी कानून सशक्त बनाने के आदेश दिए गए हैं। शराबबंदी के नाम पर गरीबों को परेशान नहीं करने के आदेश दिए गए। माफियाओं को पकड़ने का भी आदेश दिया गया। जो लोग शराब पर बोलते हैं उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
मैं शराब के खिलाफ हमेशा बोलता रहा हूं, मैंने बीजेपी के लोगों को गलत कुछ नहीं कहा, बीजेपी का व्यवहार अजीब था, मैंने उन्हें धमकी नहीं दी है। तो ये तमाम बड़ी बातें शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार ने कही हैं। और चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं विधानसभा में हंगामा आखिर क्यों बरपा। देखिए छपरा में जहरीली शराब से लोगों की मौत का ये पूरा मामला है। मौतों को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इन मौतों के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। सदन के अंदर और सदन के बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विपक्ष के हंगामे के बाद नीतीश कुमार गुस्से में नजर आए। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायकों को चुप रहने को कहा। जब शराबबंदी हुई तो बीजेपी के लोग साथ थे। नीतीश कुमार ने यह भी बात कही, मुख्यमंत्री के व्यवहार से बीजेपी विधायकों में काफी नाराजगी है और बीजेपी विधायकों ने नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा है।